गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग इस चैप्टर का 9th लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, आपदा प्रबंधन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया इसके अंदर? सबसे पहले पिछली कक्षा में हमने विविध प्राकृतिक आपदाओं की निरीक्षण संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। इस कक्षा में हम भूकंप और दूसरी कुछ प्राकृतिक आपदा संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर? तुम लोग 7th स्टैंडर्ड में प्राकृतिक आपदा के बारे में संक्षिप्त जानकारी, मतलब पूरी तरीके से जानकारी देखा है। इस कक्षा में भूकंप और ऐसी प्राकृतिक जो आपदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला भूकंप लिया। यहाँ पे भूकंप के बारे में, इंग्लिश में अर्थ क्या कहते हैं भूकंप को, ठीक है, वो पता रहेगा सबको। तो कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या उसका विनाश होता है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया इसके अंदर। भूकवच में अचानक कंपन होना, ठीक है, भूकवच मतलब तुम्हारा जो अंदर का सबसे ऊपरी भाग रहता है उसके अंदर जो कंपन होता है उसको भूकवच के अचानक थोड़ा क्षण के लिए हिलने का भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकवच में कंपन होता है तो कुछ भी चीज़, जैसे कि मोबाइल तुम्हारा वाइब्रेट होता है, ठीक है, तो मोबाइल वाइब्रेट होता है तो कंपन आता है उसके अंदर, तो तुम्हारा मोबाइल हिलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसी प्रकार जो भूकवच रहता है उसके अंदर कंपन आता है तो थोड़ा थोड़ा हिलता है, तो वही हिलने को तुम लोग भूकंप कहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब कहा जा सकता, मतलब कहते हैं। भूकंप के कारण भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? भूकंप के कारण भूपृष्ठ रहता है जो, मतलब ऊपर का भाग रहता है पुष्टि भाग, उसका कुछ भाग जो रहता है पीछे या ऊपर, ठीक है, आगे पीछे होता है कभी कभी, मतलब जिसके मोबाइल तुम्हारा आगे पीछे होता है, या कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, आगे पीछे होता तब तो उतना विनाश नहीं होता, लेकिन जब ऊपर नीचे होता तब तुम्हारा यहाँ पे जमीन वमीन फटने लगता है। ठीक है, भूगर्भ में निर्माण होने वाला धक्के व लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलता है। ठीक है, भूगर्भ में जो निर्माण होने वाला धक्के व लहरें रहते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे जो होता है या आगे पीछे जो होता है, वो जमीन के नीचे भी होता है और जमीन के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो ये सब पृष्ठभाग पर होने के कारण क्या होता है, तुम्हारा भूकंप फैल जाता है। ठीक है, सब दिशा में जाता है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे वो वहीं पे होगा, वो सब जगह में फैल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे भूकंप के केंद्र बिंदु बताया उसी प्रकार वो फैलता है। फिर आगे क्या दिया है? भूकवच अचानक आगे पीछे ऊपर, हाँ, भूगर्भ का निर्माण होने वाला धक्के लहरें देख लिए। फिर भूकंप नाभिक से ठीक ऊपर पृष्ठभाग पर स्थिर बिंदु को भूकंप के केंद्रीय केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? भूकंप नाभिक, जहाँ से मतलब वो भूकंप तुम्हारा पृष्ठभाग जो रहता है वो हिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, वही बराबर उसको नाभिक और ऊपर की ओर जो आता है उसको भूकंप के केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप मानेंगे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे तुम्हारा लहरें जो रहेगी वो उठेगी। ठीक है, और जहाँ तक लास्ट तक जैसे जैसे होता है उसको तुम्हारा भूकंप की लहरें कहते हैं। फिर आगे क्या दिया है? भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु, ठीक है, भूकंप नाभिक के ठीक ऊपर भूपृष्ठ के स्थिर बिंदु को भूकंप केंद्र बिंदु कहते हैं। तीव्र स्वरूप की लहरों धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुँचते, इसलिए वह हानि का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तीव्र स्वरूप में मतलब तुम्हारे जो लहरें रहते हैं या धक्के रहते हैं वो बहुत स्पीड में अगर रहेगा, तीव्र में रहेगा, तो मतलब समझ लो कि अनुपात जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे न्यूज़ में तुम लोगों ने सुना रहेगा, सो इतना मतलब ज़्यादा भूकंप आया, इतना कम आया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर जो रहता है वो इतना ज़्यादा है। ठीक है, वो जो ज़्यादा रहता है मतलब इतने ज़ोर से झटका 2.8 2.6 ऐसा जो देखते हैं, ठीक है, ये 7 जो रहता है बहुत ज़ोर से आता है, तो ये सब जो रहते हैं वो अनुपात में अगर सब जितना स्पीड में फैलता है उसको उसी अनुपात में ज्ञात किया जाता है और वो सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। फिर आगे दिया है, भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। ठीक है, सौम्य मतलब एकदम धीरे से, या तीव्र बहुत स्पीड में भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विध्वंस भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर? पृथ्वी पर होने वाले विध्वंस भूकंप, ठीक है, विध्वंस भूकंप मतलब बहुत हानि जिसे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शहर जो रहता है या बहुत जगह जो रहता है तुम्हारे वो जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, या बहुत हानिकारक होता है, बिल्डिंग गिर जाता है, तो ऐसे विध्वंसक जो भूकंप रहते हैं उसकी अपेक्षा जो सौम्य भूकंप मतलब छोटे छोटे जो भूकंप आते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे झटके देते, जैसे कि थोड़ा भूकंप हिलने भिलने लगता है, मिट्टी गिरता है, ठीक है, जमीन थोड़ा हिलने लगता है, तो ऐसे जो झटके रहते हैं भूकंप रहते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, जबकि विध्वंसक भूकंप रहते हैं वो बहुत कम मात्रा में आते हैं। ठीक है, ये आगे क्या दिया है? पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता है। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर? पृथ्वी पर कहीं ना कहीं भूकंप रोज आते रहता है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, एनईआईसी करके मतलब ये वेब सेंटर है। ठीक है, वहाँ पे निरीक्षण के अनुसार अपनी पृथ्वी प्रत्येक वर्ष लगभग, ठीक है, हर एक वर्ष मतलब 365 दिन 1200 से 14000 भूकंप होते हैं। ठीक है, टोटल मतलब समझ लो कितना भूकंप होता है। ठीक है, 365 दिन में इतना भूकंप
हो जाता है 12,400, ठीक है। 12,400 में 365 से अगर करोगे तो 4 × 12 मतलब 400 बार तुम्हारा यहाँ पे एक मतलब एक दिन में 400 भूकंप आते हैं। संदर्भ में WWIRIS एजुकेशन, ठीक है, EDU, इस आधार पर चल पता लगता है, ठीक है। ये मतलब ये सर्च मारोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि रोज़ कहाँ कहाँ भूकंप तुम्हें कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। IRIS.EDU. ठीक है, अगर ये सर्च करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर आगे क्या दिया है, भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मामीटर, ठीक है, सिस्मोग्राफ या सिस्मामीटर कहते हैं, ठीक है। बाजू में जो दिखाया गया है तो इससे पता चलता है, वो ये रहता है क्या होते हैं ग्राफ जैसा रहता है, ठीक है, एक पेंसिल जैसा रहता है, ये गोल गोल घूमते रहता है, जैसे ही वो हिलने लगेगा, ठीक है, जैसे तुम्हारा जो भूपृष्ठ है, ठीक है, वो हिलने लगेगा तो ऐसे ये ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे, आगे पीछे हुआ तो ये ऐसे ऐसे, जैसे कि दूसरा, ठीक है, ऊपर नीचे हुआ तो पहला वाला, और अगर आगे पीछे हुआ तो ये दूसरा वाला तुम्हारा ऐसा आएगा, ठीक है। क्षैतिज भूकंप यंत्र या ऊर्ध्वाकर भूकंप यंत्र, इसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, ठीक है। आगे जो तुम्हें वो 10.30 दे रहा है उसको सिस्मोमीटर कहते हैं, और जो तुम्हारा ग्राफ दिख रहा है उसको सिस्मोग्राफ ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना, सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाना, ठीक है, रिक्टर मतलब जो तुम्हें बोला मैं स्टार्टिंग में 2.5 रिक्टोमीटर, ठीक है, इतना जो रहता है तो ये रिक्टोमीटर पैमाने में नापा जाता है, ये इसका इकाई में उपयोग करते हैं, ठीक है, रिक्टोमीटर रिक्टर पैमाना ये इकाई है, जैसे कि हम लोग किलोग्राम किलोमीटर ये नापते हैं, तो उसी प्रकार जो भूकंप रहता है उसको रिक्टर पैमाने में नापा जाता है। यह एक गणित इकाई है, ठीक है, ये गणित इकाई कुछ भी चीज़ रहता है तो गणित इकाई रहता है, ठीक है, नापने के लिए। भूकंप के परिणाम का वर्णन दिया है, इसी तालिका को सावधानीपूर्वक अध्ययन करो, ठीक है। इंटरनेट ये मेरा मित्र है कैंसिल है, ठीक है, तो इसका बताएं, भूकंप के कारण और भूकंप के परिणाम क्या क्या दिए हैं यहाँ पे। ज्वालामुखी का विस्फोट, ठीक है, कारण बता रहा हूँ पहले, कारण क्या क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी जो तुम्हारा भूपृष्ठ रहता है वो हिलने लगता है, मतलब भूकंप आ सकता है, ठीक है। तो फिक्स ही है कि अगर ज्वालामुखी आया ही तो तुम्हारा विस्फोट जो रहेगा वो मतलब सॉरी भूकंप जो रहेगा वो हो सकता है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी जोर से आए तो तुम्हारा भूकंप भी जोर से आ सकता है, ठीक है। मतलब अगर जहाँ पे समझो अगर हलचल हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा भूपृष्ठ थोड़ा हलचल होने वाला है और वहीं पे तभी अगर ज्वालामुखी फट गया तो तुम्हारा भूकंप जो रहेगा वो जोर से आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर कम रहेगा तो वहाँ पे कभी ना और कभी थोड़ा जो रहेगा वो तुम्हारा भूकंप आ सकता है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, बड़े बड़े बांधों का ज़मीन पर पड़ने वाला तनाव, ठीक है। बड़े बड़े बांध मतलब जो बहुत ऊपर ऊपर तक जो बांध रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर से जो पानी नीचे गिरता है तो तुम्हारे ज़मीन पे जोर पड़ता है, ठीक है, तो जोर पड़ने के कारण भी वहाँ पे भूकंप का कारण हो सकता है। फिर तीसरा दिया है खदानों को खोदना, ठीक है, अभी खदानों को खोदना, तुम्हारा जो खदान रहता है जैसे कि बड़े बड़े जो कोल माइन जो कहते हैं, ठीक है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है या जो सोना बिना चांदी में जो ढूंढते हैं अंदर नीचे, तो खदानों से खोद के निकाला जाता है, तो उसके लिए भी बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं जिसके अंदर होल करते हैं फिर खोदाई करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे भी उसकी ज़मीन के ऊपर जोर पड़ता है, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा, जैसे कि तुम्हारा ज्वालामुखी फटता है उसके जैसा ही तुम्हारा खदानों का खोदना भी उतना ही खराब रहता है। फिर आगे दिया है जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण, ठीक है, ये भी उसी प्रकार है जमीन ज्वालामुखी का विस्फोट के जैसा, जमीन के अंदर जो तुम्हारा परमाणु परीक्षण जैसे ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि उसका परमाणु जो रहता है पूरे हवा में फैल जाएगा उसके कण और हमें बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए जमीन को खोद के अंदर बहुत अंदर वो उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, तो उतना परीक्षण करने के कारण उसके अंदर भी तुम्हारा जो जमीन रहता है उसके ऊपर तनाव आएगा भूपृष्ठ के ऊपर और तुम्हारा भूकंप का कारण बन सकता है। फिर पांचवा दिया है भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी निरिसता है, ठीक है, तथा जमीन के अंदर प्रचंड ऊष्मा से पानी की भाप बनती है, वह यह भाप कमजोर पृष्ठभाग के बाहर निकलने का प्रयत्न करती है तब भूकंप होते हैं, ठीक है, बताएं अंतर्भाग मतलब पानी जो रिसता है, जैसे कि बारिश गिरता है तो पानी तुम्हारा अंदर धीरे धीरे जाता है और अंदर जो प्रचंड ऊष्मा, ठीक है, तुम्हें को पता है हम बीच में आग का गोला है, ठीक है, बीच के बीचों बीच हमारे धरती के अंदर, तो उसके ऊष्मा उसकी मतलब उधर तक पानी पहुँचते तो उसका ऊष्मा निर्माण होता है, ठीक है, और वो भाप जो रहता है वो हल्का रहता है तो ऊपर निकलेगा जमीन के वापस ऊपर निकलेगा, ठीक है, क्लाउड बनने के लिए तुम्हारा बादल बनने के लिए, तो वो जब ऊपर निकलता है तो उससे भी तुम्हारा भूकंप आ सकता है, ठीक है। फिर भूकंप के
परिणाम, ठीक है। अभी भूकंप का कारण देखा, अभी उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है वो दिया यहाँ पे। मनुष्य के साथ साथ वन जीव व पालतू प्राणी की भी जीवित हानि होती है, ठीक है। मनुष्य के साथ साथ जो वन जीव, ठीक है, वन जीव या पालतू प्राणी है, वन जीव मतलब तुम्हारे वनस्पति यार या मानव या जो प्राणी पालतू प्राणी है या जो मतलब बाहर दूसरे प्राणी है, वो सब प्राणी भी उनकी जो जीवन की रहती है वो हानि हो सकती है, जैसे मृत्यु प्राप्त कर जाते या तुम चोट बीट लग जाता है, ठीक है। तो ये सब हानि जो रहता है वो भूकंप के परिणाम में आता है। फिर दूसरा दिया है, बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है, बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारत, रास्ते, लोहा मार्ग उध्वस्त होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान, आर्थिक नुकसान मतलब पैसे का नुकसान होता है, जैसे कि बिजली के खंभे, ठीक है, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, पाइपलाइन जो रहता है नीचे का वो फूट जाता है, ठीक है, रोड टूटेगा तो तुम्हारा पाइपलाइन भी फूट जाता है, फिर घर इमारत जो रहते वो भी टूट जाते हैं, रास्ते फूट जाते हैं, लोहे का मार्ग उध्वस्त, जैसे कि ब्रिज रहा, ठीक है, तो वो सब भी तुम्हारा टूट जाता है। तो ये सब इसके अंदर बहुत आर्थिक का नुकसान होता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, तुम्हारा समय का भी नाश होता है और आर्थिक भी नुकसान होता है। फिर तीसरा दिया है, जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्थान को खतरा होता है, ठीक है, जैविक विविधता का भी हानि होता है, ठीक है, परिसंस्थान को फिर खतरा हो सकता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ के ऊपर खतरा हुआ तो तुम्हारा परिसंस्थान के अंदर खतरा निर्मित हो जाती है। फिर चौथा दिया है, नदियों नालों इनका प्रवाह बदलता है, ठीक है, नदी नाले जो रहते हैं वो भूकंप होने के कारण उनकी भी जो जगह रहती है वो बदल जाती है, तो उसके कारण भी बहुत हानि हो सकता है। फिर शहरी भागों में आग लगने की संभावना हो जाती है, शहरी भाग मतलब जहाँ जहाँ फैक्ट्री विक्ट्री है, तो अगर तुम्हारा यहाँ पे भूकंप आया तो उसके अंदर कुछ बदलाव होने के कारण वो भाग में तुम्हारा शहरी जो भाग रहता है वहाँ पे आग लगने की संभावना भी बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। फिर छठवा दिया तुम्हारा, समुद्र तेल के भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनार पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना होती है। अभी समुद्र तल, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले देखा रहेगा समुद्र तल में भूकंप होते, ठीक है, अगर समुद्र के नीचे अगर भूकंप आया, जैसे कि तुम्हारा चक्री हो जाता तैयार, उसी प्रकार अगर भूकंप के तलों पर सॉरी समुद्र के तल पर अगर भूकंप आया तो सुनामी ये बड़े बड़े जो लहरें रहते हैं सुनामी लहर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका निर्माण होता है और किनार पट्टी में बड़े पैमाने पर हानि हो सकता है, ठीक है, मतलब किनार पट्टी जो किनारे में लोग रहते हैं या कुछ भी चीज़ रहता है वो उध्वस्त पूरे तरीके से हो जाएगा। फिर तुम्हारा सातवां पॉइंट दिया है, भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे होता है, ठीक है, भूमिगत या जल स्तर जो रहता है तुम्हारा जो जमीन रहता है, जैसे कि बोल रहे अभी कोई कोई शहर जो है तुम्हारा वो बाढ़ के कारण और मतलब ये क्या बोलते हैं भूकंप के कारण कुछ कोई कोई शहर जो है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो जाएगा, ठीक है, जल के अंदर चला जाएगा, तो तुम्हारा भूमिगत और जल स्तर रहता है वो भी तुम्हारा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, भूमि और जल जो रहता है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये सब तुम्हारे इसके परिणाम है। फिर देखो हम लोग ने ये फर्स्ट पेज कंप्लीट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग अभी सेकंड पेज पे आए थे। फिर यहाँ पे कहते हैं भूकंप के बारे में सतर्कता, ठीक है, अभी उसको सतर्कता मतलब कैसे बचे, भूकंप आया या कुछ हो गया तो हम लोग अगर समझो उस समय में रहेंगे तो कैसे उसे बचा जा सके, ठीक है। क्या दिया पहला, भूकंप के सदी यदि तुम घर में हो तो, ठीक है, अगर घर में रहो और तभी भूकंप आया तो क्या करना है, यहाँ पे भूकंप का पता चलते ही इधर उधर न दौड़कर बिना घबराहट उसी जगह पर शांत खड़े रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, भूकंप आया तो ऐसा नहीं कि फटाफट कहाँ पे मतलब घबराहट के कारण इधर उधर भागो, ठीक है, भागने से क्या होता है तुम्हारा जो क्या बोलते हैं जो जमीन रहता है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आता है, ठीक है, और बदलाव के कारण वो भूकंप बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, या तुम लोग गिर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर कुछ गिर सकता है, जमीन पर बैठ जाओ, ठीक है, खड़े भी नहीं रहना, गिर जाओगे तो क्या वहाँ पे खड़े रहना नहीं, वहाँ पे जमीन पर बैठ जाओ, टेबल पलंग किसी भी एक फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लो, ठीक है, क्या करना है जमीन पे बैठ जाना, अगर छोटा मोटा तो जमीन पे बैठ जाओ, अगर थोड़ा सा बड़ा तुम्हें लग रहा है तो किसी चीज़ मतलब जो कड़क चीज़ है जैसे कि पलंग टेबल उसके नीचे या फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लेना चाहिए, और जमीन की हलचल रुकने तक ही वहीं रुको, ऐसा नहीं कि तुम्हें थोड़ा सा हुआ तो तुम लोग बाहर निकल जाओ, जब तक वो पूरा जमीन स्थिर नहीं हो जाता, ठीक है, उसके भी 3-4 मिनट तक रुकना चाहिए और बाद में फिर बाहर निकलना चाहिए। फिर तुम्हारे आसपास कोई भी टेबल अथवा डेस्क ना हो तो घर के किसी कोने के नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटने पर रखो और तुम्हारा चेहरा ढक लो, ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, अगर कुछ भी अगर फर्नीचर आसपास नहीं रहेगा तो तुम्हें कोई भी कोने में चले जाओ और कोने में जाने के बाद, ठीक है, कोने में जाने के बाद अच्छे से घुटना ढक लो, ठीक है, घुटना मतलब दोनों फोल्ड करके और अच्छे से सर हाथ के हाथ जो रहेगा वो सर के पीछे रख के नीचे ढक लेना चाहिए, ठीक है, पूरा मतलब खुद को कवर करके एकदम छोटे जगह पे बैठ जाना चाहिए। फिर आगे जाए, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हो तो, ठीक है, पहले क्या दिया घर के अंदर हो तो, अभी
चलते मतलब बाहर रहो या वाहन के ऊपर रहो तो क्या करना चाहिए? सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन रोक कर और तुम भी वाहन के अंदर रुको, बाहर न निकलो। इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास न रुको, ठीक है? क्या बताया? सुरक्षित जगह देखकर तुरंत बाहर रोक दो, ठीक है? मतलब जहाँ पे कोई भी कुछ भी चीज़ ना गिर सके, ठीक है? पेड़ पौधे ना रहे, लाइट के खंभे ना रहे, ठीक है? ऐसे जगह देख के, मतलब सुरक्षित जगह देखकर वहाँ पे वाहन रोक दो और बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके अंदर ही रहना चाहिए। इमारत, वृक्ष और बिजली के तार के पास कभी भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? जैसे बताया मैंने, अभी कोई भी इमारत या वृक्ष या बिजली के खंभे आ रहेंगे तो वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। फिर आगे दिया है, भूकंप के समय यह मत करो। क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहला दिया है, बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग न करें, ठीक है? अभी कोई क्या रहता है, डर के मारे क्या रहता है, जो फटाफट नीचे उतरने के लिए लिफ्ट में घुस जाता है, ठीक है? तो वो भी बहुत बड़ा खराब रहता है, ठीक है? सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट अंदर अगर अटक गया या टूट गया या कुछ भी हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। फिर एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक न बैठे, शरीर की थोड़ी हलचल करें, ठीक है? एक ही जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? और ना ही शरीर को मतलब शरीर को थोड़ा सा हलचल देना चाहिए, ठीक है? अगर कुछ हुआ तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हो, मतलब तुम्हारा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, जिसके बेड बीट रहेगा तो जा सकते हो। फिर भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है, इससे बचने के लिए घर में मेन स्विच सावधानीपूर्वक बंद करें। ऐसे समय मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग न करें, बैटरी टॉर्च का उपयोग करें, ठीक है? भूकंप के बाद बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए फटाक से पहले सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, ठीक है? मेन स्विच को बंद करके बाद में तुम्हारा मोमबत्ती, लालटेन, ये सब का मतलब जिसमें आग लग सकती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? टॉर्च, बैटरी, ये सब का उपयोग कर सकते हैं। फिर भूकंप रोधक इमारतें, ठीक है? भूकंप रोधक इमारतें मतलब जिसके अंदर भूकंप नहीं आ सकते, इमारत के अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है? सेवन स्टैंडर्ड में देखा था तुम लोग, वो पट्टी लगाते हैं जिसके कारण भूकंप तुम्हारा या बिजली जो रहता है वो खींच के नीचे चला जाता है, ठीक है? तो उसे इमारत, भूकंप रोधक इमारत बनाते। जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता, ठीक है? जमीन के विशिष्ट सीमा तक हलचल मतलब विशिष्ट मतलब थोड़े बहुत ऊपर तक आने से कुछ हलचल नहीं हो सकता, तो कोई खतरा जो इमारत रहता है उसके ऊपर खतरा नहीं हो सकता। ऐसे इमारत का निर्माण कार्य भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं, ठीक है? मतलब जो तुम्हारा जो जमीन के नीचे बहुत अंदर तक घुसता है, ठीक है? तो ऐसे जो रहते हैं उसके अंदर तुम्हारा भूकंप रोधक निर्माण कार्य, ऐसा कह सकते हैं। इमारत के निर्माण कार्य के लिए भारतीय मानक संस्था के कुछ कोड बनाए हैं। IS 456 के अनुसार ये इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है, ठीक है? IS 456 जो रहता है उसके हिसाब से ये मतलब जो तुम्हारा भूकंप रोधक इमारत है उसका निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 भूकंप रोधक आरेखन की रचना के मापदंड और IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कोटिंग संरचना की तान्य विस्तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जैसे कि अलग अलग मतलब इमारत के लिए अलग अलग बनाने के लिए चीज़ रहता है, तो तुम्हारा यहाँ पे अलग अलग दिया गया IS 1392, IS 1392, ठीक है? भूकंप रोधक आरेखन संरचना और IS 1392 से भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्ति के उसके बारे में सब कुछ जानना, कॉन्क्रीट संरचना ये सब उसके अंदर से मतलब उसके हिसाब से हम लोग को पता चल सकता है। फिर भूकंप रोधक निर्माण कार्य से आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक है? भूकंप रोधक निर्माण कार्य ये आधुनिक तंत्रज्ञान, पहले तो ये सब तंत्रज्ञान नहीं थे, ठीक है? अभी सब विकसित हो गया, तुम्हारा टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे तरीके से विकसित हो गया, ठीक है? तो भूकंप रोधक निर्माण कार्य आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके हम उसका अच्छे से मतलब इजीली और अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। फिर भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो इसके लिए लेस रेजिंग, ठीक है? लेसर लेजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, गाइगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्टेन मीटर, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर, वॉइंग मीटर, स्ट्रेन गॉज, इनकी जैसे आधुनिक संसाधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है? क्या होता है, इसके अंदर भूकंप पूर्व सूचना, ठीक है? अभी पता रहेगा तुम लोग को भूकंप कहाँ आने वाला रहेगा तो यहाँ पे पहले ही बता देता है, कहाँ कहाँ पे तुम लोग को पता नहीं चलता, जिसके अंदर फटाक से आता है तो पूर्व सूचना प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए जो विविध मतलब अलग अलग जो साधन दिए उसके नाम दिए, लेसर रेजिंग, वेरी लॉन्ग बेसलाइन, गाइगर काउंटर, ठीक है? ये सब जो दिया है, क्रिप मीटर, स्टेन मीटर, ठीक है? मीटर जो दिया है वो नापने के लिए रहता है कितनी मात्रा में आ सकता है, और लेजर रिंग जो रहता है ये सब मतलब ये जो है वो पता सकता है सो कब तक आ सकता है, ठीक है? और टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज, ठीक है? ये जो तुम लोग 12th में जाओगे साइंस में तो तुम लोग को ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज है, ठीक है? इसका इस्तेमाल करने को मिलता है, इनके जैसे आधुनिक साधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है?
तो आज ये जो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने लेसन को आज स्टॉप करते हैं, ठीक है, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय। लेक्चर अच्छा लगे तो तुम लोग शेयर करो और पूरा वीडियो देखो।